ओनली 15 मिनट में, ओनली 15 मिनट में रिम का तुम टाल बना सकते, टाल निकाल सकते, बेंड सीधा कर सकते, पैसे बचा सकते, लेकिन हेडो पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा तुमको और शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हाय दोस्तों, आज आया लेके मैं नया टॉपिक, नया वीडियो, साइकिल का रिम बेंड निकालना, साइकिल का बेंड निकालना। आज का ये टॉपिक है, अपन साइकिल का रिम कैसा बेंड निकाला जाता है, कैसा इसको खोला जाता है, उसका कैसा स्पोक टाइट किया जाता है, वो आज अपन सीखने वाले। तो चलो तो स्टार्ट करते हेडो। दोस्तों आपने पास हीरो का साइकिल है, इसका रिम देखो खाली भाई कितना बैंड है, ये देखो कितना बैंड रिम है, पूरा बैंड रिम है। इसको अपन सीधा करने वाले आज, तो कैसा सीधा किया जाता है वो देखने वाले। चलो तो मैं स्टार्ट करता है, कैसा सीधा करने का है वो बताता है तुमको। पहले तो आप देखेंगे टाल मारने के लिए, बैंड निकालने के लिए अपने पास ऐसा मशीन चाहिए। मशीन नहीं रहेगा तो अपने पास ऑप्शन ली, दूसरा ऑप्शन रहेगा अपने साइकिल का जो सामने वाला चिमटा आता है वो चिमटे पे भी तुम लगा के रिम का टाल निकाल सकते हैं। दूसरे बात, ये अपने पास चाबी देख रहे हैं अपन, ये टाल निकालने का चाबी है, इस पे नंबर आता है, अलग अलग स्पोक का अलग अलग नंबर आता है, ये देख रहे तुम। इस पे नंबर आएगा 13 गेज के लिए 13, 15 गेज के लिए 15, 12 गेज के लिए 12, 14 गेज के लिए 14, ये अलग अलग नंबर में एक चाबी आता है। इसमें तो स्टार्ट हो जाता है लगभग 11 गेज से, उसके बाद तुमको 15 गेज तक चलता है, ये चाबी मांगता है। रिम अपना बैंड रहेगा, मशीन नहीं रहेगा अपने पास तो चिमटे पे भी तुम निकाल सकते हैं। चलो तो अपन हेडो स्टार्ट करते हैं, टाल कैसा निकाला जाता है वो देखेंगे। ये देखो अपना स्पोक है, स्पोक का अभी इसको जो खाँचा है, ये वाला खाँचा, ये वाला सामने वाला खाँचा है, इधर स्पोक का नेपल आता है, इसको बटन भी बोलते हैं, नेपल भी बोलते हैं, इसको बरोबर मैच हो जाता है। अभी हो गए लॉक, अभी इसका टाल कैसा किया जाता है वो दिखाएंगे। ये अभी ये जो साइड बोल्ट है ये एडजस्ट के लिए आता है, ये जो बोल्ट आता है ये एडजस्ट के लिए आता है, वो तुमको दिखाता है। ये जो बोल्ट है ये फेस टू फेस है, इसको एडजस्ट के लिए आता है। रिम इधर जाएगा तो इधर टच होएगा, इधर जाएगा तो इधर टच होएगा, तुमको घुमा के दिखाता है मैं। ये देखो अभी इधर से टच होगा, बाद में इधर से हिलेगा तो इधर से टच होएगा, इधर आएगा तो इधर से टच होएगा। मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, मेन मुद्दे पे अभी अपन ने समझ लो ये रिम अपना इधर टच हो रहा है, ये बोर्ड को टच हो रहा है, ये बोर्ड को टच होएगा तो अभी चाबी लगेगा इधर। ये बोर्ड को कब टच होएगा, बेंड हुआ रहेगा तो ये जो स्पोक है ये पूरा लूज हुआ होगा तो ये इधर घिसेगा। तो आपने करने का क्या है, ये जो चाबी है नीचे वाले स्पोक को लगाने का, जिधर टच हो रहा है उधर लगाने का नहीं है, नीचे वाले स्पोक को लगाने का और ये टाइट करने का। ये देखो ये टाइट होएगा, ये छोड़ देने का, बाद में इसको टाइट करने का, ये वाले स्पोक को जो ऊपर से आता है वो साइड, ये देखो ये वाले साइड इधर से जो आने वाला है, राइट हाथ से जो आने वाला है उसको टाइट करने का नहीं, लेफ्ट हाथ वाले जो दो रहते हैं उसको टाइट करने का। उसको टाइट करेंगे तो रिम इधर खींचा जाएगा, यानी इधर से बैंड रहेगा। अभी ये घुमा के दिखाता है, अभी ये साइड यहाँ पे इस साइड टच हो रहा है तो अभी ये वाला स्पोक टाइट करेंगे अपन, ये वाला टाइट करेंगे रिम इधर साइड आएगा, ये वाला टाइट करेंगे रिम ये साइड जाएगा, लेफ्ट हाथ को जाएगा राइट हाथ को जाएगा। तो इसका मेन यही पर्पज है। इधर आपने दो बोर्ड दिया है, इसमें से कौन से बोर्ड को टच हो रहा है वो देख लो, समझ लो राइट हाथ के बोर्ड को टच हो रहा है नहीं तो लेफ्ट हाथ के बोर्ड को टच हो रहा है, तो राइट हाथ को टच होएगा तो लेफ्ट हाथ का जो स्पोक रहता है दो उसको टाइट करने का, और लेफ्ट हाथ को टच होता होगा तो राइट हाथ वाले जो दो स्पोक है उसको टाइट करने का, यानी उसका बन जाता है टाल, वो सीधा हो जाता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट में एक बार ध्यान में आएगा, 15 मिनट में या 10 मिनट में तुम रिम का टाल निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, सब्सक्राइब